I am Niaz Kakar. I am working as a project director, Red Plus Balochistan, and holding a post of the conservator of Forest Quetta Division. Malik Dunya ke jo bahut zyada industrialized ho chuke hai, jaise China hai, America hai, Japan hai, baki sare wo hai, to wo as a muawize ke taur par, as a compensation ke taur par, hame wo paise denge. Us paise se hum jayenge forest owners ke paas, junglon jo bhi private forest hai ya state forest hai, unme jitna bhi carbon dioxide wo log hold rakhte hain, wo per kg ke hisab se hum bechenge. Aur ye World Bank ka ek commitment hai ki 40 saal ke liye hum un logon ko paise denge aur unko bond karenge in dollars ki aapne drakht nahi kaatna hai, kyunki insani zindagi ka baka ka sawal hai. Ye baka hogi ki drakht hoga to temperature bhi theek hoga, aapka nature bhi theek rahega. Jitna aap nature ko disturb karoge itna hi oxygen aur gases mein issues honge. Ye red plus ka iftida humne kar diya hai. Aap safi hazrat ke zariye hum ghar ghar ye paigham pahunchayenge aur practically inshaallah pahunchayenge ki hum wahan pe kaam bhi karenge. ये हमारी रेड प्लस का इफ्तिदा। बलूचिस्तान के उन पूरा बलूचिस्तान में ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान 43% ऑफ द कंट्री है. वो स्पेशली आपका जो कोस्टल बेल्ट है, मैंग्रूव फॉरेस्ट है, जूनिपर फॉरेस्ट है, चलगोज़ा फॉरेस्ट है, मोडेस्टा फॉरेस्ट है मुसखेल का. इस सिर्फ हमें फॉरेस्ट की दरख्त का वो नहीं है, क्योंकि इसमें आपके वाइल्ड लाइफ रहती है, आपके मेहमान आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हमारी बका की ज़रूरत है. आप शाम देखते हो कि लोग नज़ला ज़ुकाम बीमारियों में मुबतला, अगर ये बैलेंस नहीं रहेंगे तो आप लोग जितने भी एंटीबायोटिक्स खाओ, जितने भी ये बाकी गोलियाँ खाओ, एंटी एलर्जी खाओ, तो वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे कि अच्छे से अच्छे दरख्त लगाए और इसकी हिफाजत करें. और ये यूरोप में आपको एक बात बताऊं, शाम के टाइम लोगों की ही मशगला होता है, अगर कोई साफ़ी है तो शाम को वो कोई ना कोई गार्डनिंग करता रहता है. हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उस लेवल पे लोग आ जाए कि वो कम से कम ग्रीनरी ज़्यादा लगाए और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, ओजोन लेयर को नुकसान है, ओजोन लेयर टूटेगा तो उसके बाद वो जो ख़तरनाक रेज आ रही है सूरज से, वो जिसको हम कहते हैं क्यामत, जो डायरेक्ट आपको इफेक्ट पड़ेगी आपकी स्किन पे, आपकी हर चीज़ पे, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी. सर, जो सरकारी सतह पे दरख्त लगाए जा रहे हैं, मुहिम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके बाद उसका क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई खास कार्रवाई? इसके लिए इस बार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने CM साहब के स्पेशल डायरेक्टिव पे केयर अभी जो जुलाई से शुरू, क्योंकि इस हुकूमत को 9 महीने हो गए, इन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने इसको बड़ा सीरियस लिया हुआ है क्लाइमेट चेंज को, तो इस बार केयर भी होगा. और हम सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे इसमें, हम इस बुनियाद पे ये काम करेंगे कि पॉवर्टी भी ख़त्म हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जैसे KP मॉडल ने किया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे ताकि लोग अपने पैसों से खर्च करें और उसको पैसे मिले, तब ये कामयाब होगा. इस तरह बलूचिस्तान में टोटल आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 2000 लोगों की तादाद है. 2000 आप बलूचिस्तान की आबादी कितनी है आपको ज़्यादा पता होगा, तो 2000 में आप कितने दरख्त लगा सकते हो. इस बार हमने स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की है और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे.